जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव और स्वागत है ऑप्शन गेनर के एक नए वीडियो पे। आप सबके फेवरेट टाटा ग्रुप की कंपनी पे आज चर्चा करेंगे। नाम है टाटा केमिकल्स। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा रैली आ चुकी है, आप देख सकते हो। रैली की वजह भी यह है कि ईवी मोटर्स पे जो काम चल रहे हैं उन पे ऑपरेटेड बैटरी हो या मोबाइल की जो बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ये टाटा केमिकल्स, उसके वजह से काफ़ी अच्छी रैली है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया दोनों थीम पे ये कंपनी काम कर रही है। स्मार्टफोन के लिए बैटरी वगैरह बनाती है, तो काफ़ी अच्छा रैली है। अब इस स्टॉक पे क्या करना है? अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग या लोग जो अभी लिए हुए हैं उनके लिए क्या बनता है स्टॉक, तो भाई लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके आती है। उनको तो मैं सलाह दूंगा कि अगर आपका बाय यहाँ के नीचे है तो कभी इसको बेचने का मत सोचना, रखो। बीच बीच में डिविडेंड वगैरह मिलता रहेगा, एंजॉय करो। क्यों बेचना अच्छी कंपनी को? लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, जल्दी निकलने का मन बनाते हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हो? तो कैंडल स्टिक की भाषा में ये जो कैंडल बना है, मैं मार्क कर देता हूँ ये वाली, ठीक है, इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा और फिर ये एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देगा जिसका टारगेट 1000 का साइकोलॉजिकल टारगेट निकल के आएगा। ऐसे 1050 का आ रहा है, बट मैं 1000 का ही टारगेट बोलूंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे अगर स्टॉक गया तो फिर ये एक एम पैटर्न सा फॉर्म करेगा जो कि यहाँ तक आना चाहिए। लेवल रहेगा 675 तक, अगर ये इसके नीचे आता है तो। आपको प्योरली प्राइस एक्शन देखना है स्टॉक का। अभी जो है स्टॉक ये अपसाइड में हाई अपना 800 के आसपास बना चुका है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे अप ट्रेंड जो ये स्टॉक है तो ट्रेंड को आपको फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं शॉर्ट करने मना करूँगा, ठीक है। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रहेगा। स्टॉक जब जब डिप पे मिले आप बाय करके जा सकते हो। एक दफ़ा आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देख लीजिएगा, इसके ऊपर निकले अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे, जैसा कि आज एक बड़ा कैंडल बना है। अब इसको ये ब्रेक करता है तो आपको इधर आपको लॉन्ग साइड पे थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा 800 के आसपास, आपको देखना है कि वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, प्राइस एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो यही है टाटा केमिकल में। इसमें मैं बोलूँगा बेटर रहेगा अगर आप धीरे धीरे करके SIP करो, ना कि स्विंग ट्रेड करो। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइब ऑप्शन गेनर।